यवतमाल जिले में सब कपास ही लगाते हैं। यवतमाल जिला सफेद सोना के नाम से पहचाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केजी राठौर। मैं कृषि नेटवर्क की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे साथी किसान श्री अविनाश मधुकर यादव जी से, जो मनोहर नगर बोरी इजारा गांव के रहने वाले हैं। उनका जिला है यवतमाल और महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। अविनाश जी, हम आपसे हमारे शो किसान संपर्क में स्वागत करते हैं। आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। आपने कौन सा फसल लगाया? कपास। कपास, अच्छी बात है। आपने कितने एकड़ में कपास की खेती की है? 5 एकड़। 5 एकड़ में, अच्छी बात है। आपने कपास के कौन सा किस्म का चयन किया है, यानी वैरायटी कौन सी है कपास की? राशि साहसी। आप बीज बुआई से पहले बीज का उपचार करते हैं या नहीं? हाँ, करते हैं। कैसे करते हैं? फवारनी वगैरह, ऐसे दवा वगैरह छिड़काव करते हैं? अच्छी बात है ना। हाँ, आप कपास की बुआई रोपाई के लिए जमीन की तैयारी कैसे करते हैं? ट्रैक्टर से करते हैं। ट्रैक्टर से, अच्छी बात है ना। कल्टीवेटर। हाँ, आप कपास के साथ कोई दूसरा फसल की खेती करते हैं या नहीं? तूर या सोयाबीन की खेती करते हैं। हाँ। कपास के अलावा नहीं? हाँ। कपास के खेत में कितनी बार खाद डालना और कब कब डालते हैं? 3 बार डालते खाद। हाँ। एक पहली बार 21 दिन के बाद। हाँ। दूसरी दफा 35 दिन के बाद। हाँ। तीसरी दफा 60 दिन के बाद। 60 दिन के बाद नहीं। कपास के फसल में कितनी बार सिंचाई की जरूरत होती है, या करते हैं या नहीं करते? नहीं करते। हाँ। तो अब हम कपास देखते हैं कैसे है। तो ऐसे होते हैं कपास के? नहीं। ये कैसे लगाते हैं, यानी कि इनकी लंबाई कितनी होती है? 3 फीट, 3x3। 3x3 की होती है? नहीं क्या? और ये क्या है, ये तूर है क्या? ये तूर है। हाँ, ये तूर भी कपास के जैसा ही रहता है? हाँ, 3x3। इसकी लंबाई भी उतनी रहती नहीं क्या? नहीं, उतनी रहती। हाँ। ये पूरा खेत आप ही गए? हाँ, यहाँ से लेकर वहाँ तक। हाँ। कितने दिन हो गए आपको ये कपास की खेती करते हुए? कितने साल से आप करते आ रहे कपास की खेती? इसको हो गए कम से कम 30-40 बरस हो गए। मैं तो 30 बरस का हूँ। हाँ, यानी कि आपके दादा परदादा जो खेती करते थे सब कपास की खेती, वो खेती आपकी परंपरा से चली आ रही है? मुख्यतः कपास के खेत में कौन कौन से कीट का प्रकोप होता है? मावा, तुड़तुड़ा, सफेद मासी। हाँ। वो सब रहती है, यानी कि ऐसे अनेक प्रकार के कीट आपके कपास के आसपास रहते हैं। हाँ। इससे नुकसान कपास को होता है नहीं? होता है। हाँ। यह रोग और कीट कपास के पौधे के विकास के कौन सी अवस्था में होते हैं? फूल बार के टाइम में होते हैं, यानी कि जब कपास को बार आता है, यानी कि फूल वगैरह आता है तो तब आते हैं नहीं क्या? हाँ। कीट और रोग लगने पर कपास के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कपास के पत्ते मुरझा जाते हैं। हाँ। और उस पर कीड़े आ जाते हैं। कीड़े आ जाते हैं, यानी कि वो कपास के पत्ते को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ। और इससे फूल वगैरह नहीं लगता नहीं? नहीं। हाँ। कपास की खेती से आपको प्रति एकड़ कितनी उत्पादन होती है? 30-35 क्विंटल हो जाती है। यानी कि 30 या 35 क्विंटल की आपको हो जाती है उत्पादन? हाँ। नहीं क्या? कपास की खेती से आपको प्रति एकड़ शुद्ध लाभ कितना प्राप्त होता है? 1,40,000 या 50,000। 1,40,000 या 50,000 के लगभग प्राप्त हो जाता है नहीं क्या? आपने कपास की खेती ही क्यों चुनी? यवतमाल जिले में सब कपास ही लगाते हैं। यवतमाल जिला सफेद सोना के नाम से पहचाना जाता है, यानी कि प्रसिद्ध है यवतमाल जिला। हाँ। पूरे देश में आप यवतमाल जिले को सफेद सोने के नाम से जानते हैं, यानी कि यवतमाल में ज़्यादातर कपास की ही खेती होती है। कपास जास्ती। हाँ, और सोयाबीन या तूर की भी। हाँ। हमारे साथ भाग लेने के लिए धन्यवाद आपका। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए, किसान संपर्क से जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए कृषि नेटवर्क ऐप। धन्यवाद, आपका दिन
शुभ हो।